빨리! 안밀렸구나! 뛰지마! 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 देखिए गोली तो हमने निकाल दी है लेकिन खून बहुत बह गया है। नर्व्स बहुत वीक है, इन्हें होश आता जाता रहेगा। अभी आप ठीक हैं, खतरा टल गया। गोली का घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा। आज की रात हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक गॉड चिचिमा, अब आप एकदम ठीक हो। बिट्टू बिल्कुल ठीक कह रही है, भगवान जी ने हम सबकी प्रार्थनाएं सुन ली। आप तो बहुत बड़ी स्टार बन गई भाभी माँ, हर न्यूज चैनल पर आपकी बहादुरी के किस्से हेडलाइन बन चुके हैं। जयपुर की फाल्गुनी, झांसी की रानी, बहू की बहादुरी की बाकी दास्तान ब्रेक के बाद। तुम जानती हो फाल्गुनी, तुम्हारी वजह से इन किसानों ने आत्मसमर्पण कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो कि इनकी बातें सुनेगी और इन्हें न्याय देगी। तुमने तो इनकी जिंदगी बदल दी बेटा, हम सबको तुम पे बहुत फक्र है। चलो अब छोड़िए सब बातें, फाल्गुनी कल हम तुम्हें घर ले जाएंगे। नियति बेटा अब तो घर चलोगी ना, जब से ये सब कुछ हुआ है यही बैठी। कैसे जाती घर चीजी माँ, हमारा घर जहाँ हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते वहाँ हम पे जानलेवा हमला हुआ, अब तो घर जाने का सोच के भी डर लगता है। नहीं नहीं बेटा ऐसे बात नहीं करते, देखो जो भी बुरा होना था वो हो गया, अब भलाई इसमें कि हम उसे भूल के आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग साथ में हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। वाह, और ये देखो फाल्गुनी, जो बच्चा हमेशा हिंदी में फेल होता था अब हिंदी के मुहावरे भी कंप्लीट कर रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा, खुद का भी ध्यान रख लो, कहीं मेरे चक्कर में कुछ नहीं होगा। तुम अपना ध्यान रखो, कहीं तुम्हें कुछ। तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या फिक्र है। मुझे अभी भी याद है सुमेर, जब मेरे हाथ जले थे तो तुम मेरा सहारा बने थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरे जीवन साथी हो, 10 में से 10 हो तुम। बस 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 बस, पूरे शहर का मक्खन खत्म हो जाएगा अगर इतनी तारीफ करोगी ना, तो पति बिगड़ जाते हैं। खुश नसीब तो मैं हूं कि तुम इतनी समझदार हो। पता जो तुमने किया है ना, पूरा शहर तुम्हारी वाहवाही कर रहा है। 10 में से 10 तो तुम हो। बस बस मिस्टर रावत, पूरे शहर का मक्खन खत्म हो जाएगा। और एक और बात बताओ, इतनी तारीफ करने से पत्नी के बिगड़ जाने का खतरा होता है। सॉरी जीनू चाची, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। वो मेरा फोन स्पीकर पे था ना, माफ कर दो। हाथ हिलाने को किसने कहा, ड्रिप लगी हुई है ना। उस दिन मुझे पहले बहुत बुरा लगा था, पर फिर मैं समझ गई थी कि जरूर मेरी फाल्गुनी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी
जो उसने मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करी। जी मैडम जी, ये वही औरत है ना जो फोन पर मुझे काफी बुरा भला कह रही थी, गालियां दे रही थी। जी मैडम जी, हमारी औकात क्या है? एक बात याद रखना, आसमान में देख के थूकोगी ना तो मुंह तुम्हारा ही खराब होगा। मैं उत्तरा देवी रावत हूं, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। चलो जाओ, जाके किसी पेशेंट का बेड पैन साफ करो। तुम ऐसे ही घिनौने काम करने लायक हो। वाह उत्तरा देवी, नर्स बनकर किसी की सेवा करना घिनौना काम है, और एक सास होकर अपनी बहू की कोख निकलवाना ये पाप है? कितनी भी तरक्की कर लो लेकिन एक गिरी हुई औरत ही कहलाओगी। जरूर चाची। एक औरत अपने बच्चों से ये उम्मीद करती है कि वो उसको अपने नाती पोतों का मुंह दिखाएंगे, और तुमने तो अपनी बहू से मां होने का हक ही छीन लिया। रू नहीं काफी तुम्हारी? अरे हैवानियत की हद होती है। बस कीजिए चाची, फार्गुनी की जिंदगी में जितने भी दुख और तकलीफें हैं ना, सबके सब तुम जिम्मेदार हो। सच कह रही है आप, फाल्गुनी की जिंदगी में जो भी दुख है, तकलीफ है, यातना है, सब कुछ मेरी वजह से है। और सिर्फ फाल्गुनी क्यों, रावत परिवार के हर इंसान को आज सिर्फ मेरी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, ना ही मैं उस त्यागी को घर में बुलाती, ना ही वो आतंकवादी घर में आते उसे मारने, और ना ही, और मेरी बहू सिर्फ मेरी वजह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। मॉम, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी है उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और जीना चाची, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी मां से इस तरीके से बात करेंगे। फाल्गुनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, किसी की गलती नहीं थी, और फाल्गुनी खुद जानती है कि हम उसके लिए कितना परेशान है। लेकिन बिना किसी वजह किसी को अपराधी महसूस कराना, ये कहां की इंसानियत है? मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूं, प्लीज मत कीजिए। तुमने ठीक कहा था फाल्गुनी, सुयश अपनी मां से बहुत प्यार करता है, अपनी मां के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। क्या हो गया? जान लोगे कि मारी? अरे ऐसे मत करना कभी।
आपको के पता, जब से वो आतंकवादी देखे है ना, अरे मैं तो यही सोचती रहूं कि जब मैं उस दिन चीनी लेने आई थी तो घर में आतंकवादी थे। सोचो सोम जी सोचो, अगर वो आतंकवादी मन ने बंदी बना लेते तो क्या होता। हाय भगवान, बना लेती गोली भी मार लेती, मारी किस्मत चमक जाती। मतलब के मारी किस्मत की दी चमक गई, उजली है, है ना, कि तू बच गई। अच्छा आरती की थाली तैयार है? ये आरती की थाल ना है तो क्या मोहन थाल दिखे है थारे को? चावल, चावल इधर। शोम जल्दी आओ, वो देखो ये लोग आ गए। जा बुला लिया। हाँ टाइम के पक्के हैं, टाइम पे बुलाया, टाइम पे जाऊंगा मैं। आयो हम सब जल्दी से अंदर जाए, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना है। तो मॉम डैड भैया भाभी माँ शोमा कल बंगला आंटी, ध्यान से सुनिए। तो अब जबकि भाभी माँ ठीक हो गई हैं और घर का माहौल अच्छा हो गया है, तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। छोटे कब तक बिल्डअप देगा बताएगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के देखिए, क्योंकि अब मैं दिखाने जा रहा हूं रावत खानदान के नए सदस्य की तस्वीर। होने वाले बच्चे की तस्वीर? ऐसे कैसे हो सके? मंगला आंटी अल्ट्रासाउंड की कॉपी है, ये देखिए 6 महीने पूरे हो गए तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना था। तो क्या कहा डॉक्टर ने विधान? भाभी माँ डॉक्टर ने कहा कि बेबी बिल्कुल हेल्थी है। और क्या बोलेगा डॉक्टर? अरे डॉक्टर ने ये भी तो बताया होगा कि लड़का है कि लड़की। बिल्कुल नहीं आंटी, होने वाली बेबी का जेंडर पता करना कानूनन अपराध है, और वैसे भी लड़का हो या लड़की हम उसे बराबर का ही प्यार देंगे। हम बस ये चाहते कि बेबी हेल्दी पैदा हो और जल्दी पैदा हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुझसे इंतजार नहीं हो पाता ना। तो नीति ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाता? तो विधान तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो, जरा सा भी सब्र नहीं है तुम्हें। पता है जब तुम उत्तरा के पेट में थे ना तो ये भी ऐसे ही करती रहती थी, दिन भर बोलती रहती थी बच्चा जल्दी आ जाए बच्चा जल्दी आ जाए, और देखो ऐसा बेसब्र बच्चा मिला है हमको। लेकिन डैड भैया में तो बहुत सब्र है, मतलब भैया के समय मॉम बहुत सब्र कर रही थी। छोटे तू मॉम का इंटरव्यू लेना बंद कर और बेबी की फोटो दिखा किस पे गया। मैं तो दिखा ही रहा हूं डैड। अरे कितना प्यारा बच्चा है, एकदम विधान जैसा लग रहा है ना? चलेगा, अगर लड़का हो या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर नैन नक्श विधान की तरह हो तो बच्चा सुंदर ही पैदा होगा। कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट, बेबी बिट्टू पे गया मतलब नियति पे गया क्या? क्या? सच कहूं तो ये मुझे हम दोनों जैसा नहीं लग रहा, ये तो कोई कार्टून कैरेक्टर जैसा दिख। छोटे विधान अगर मेरे होने वाले पोते के बारे में कुछ भी कहा ना तो पिटाई होगी पिटाई। मॉम ये पोता तो मेरी जान है। मॉम बेबी अभी आया भी नहीं है और आप मुझे मुझे पीटने की बातें कर रही हो मॉम। अरे बेटा तुमने सुना होगा ना, असल से ज्यादा लोगों को सूद पसंद आता है। सूद ये क्या कर रहे हैं त्यागी जी आप? गोरखनाथ के आत्मसमर्पण के बाद सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, सब लोगों की नजर आप पे है, और आप है कि मुझे फोन कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, ये मैं कॉल आपको अपने नए नंबर से कर रहा हूँ, और वैसे भी इतनी जल्दी मेरा इंटरोगेशन नहीं होगा, इतनी तो मेरी भी पहुँच है। गोरखनाथ की बात सुनने के लिए स्पेशल कमेटी बिठाई गई है, पासे कभी भी पलट सकते हैं। एक बात याद रखिए, अगर भूल से भी आपके मुंह से ये निकला कि उन किसानों की जमीन मैंने आपसे खरीदी है तो पता है आपको क्या होगा? इलेक्शन लड़ने का सपना सपना ही बन के रह जाएगा आपका। आपकी पार्टी के लिए जो पैसा आता है ना
वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी मैं। नहीं सासू माँ, कोई नया नाटक नहीं। मुझे पता चल चुका है कि त्यागी का वो साथी जिसके साथ मिलकर त्यागी गरीब किसानों की जमीनें हथियाता था वो आप ही हैं। आप कोई ढूंढते हुए बाबा गोरखी यहां तक पहुंच गए। चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्या करोगे इस जानकारी का? मैं सबको जाके बताऊंगी। तुम सबको जाके बताओगी और सब तुम पर विश्वास करेंगे। मेरी माँ कहा करती थी सासू माँ कि सबके पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। अब तुम्हारी माँ ही इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी बातें यहाँ क्यों ला रही हो? छोड़ दो ना सब। और एक बात, आजकल की दुनिया में जिसका पाप का घड़ा सबसे बड़ा वो इस दुनिया का राजा। तुम ये जो तुम्हारी छोटी सी पुण्य की पोटली लेके मेरे पीछे पड़ी हो ना, क्या करोगी? सबूत इकट्ठा करोगी? जासूस लगाओगी मेरे पीछे? नहीं सासू माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्योंकि आप माने या ना माने, हम दोनों एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं, सास और बहू का रिश्ता। और रिश्तेदारों को मौका तो भगवान कृष्ण को भी देना पड़ा था। शिशुपाल के 100 गुना माफ किए थे कान्हा ने, लेकिन उसके 101वें गुना पर क्या हुआ था ये सब जानते हैं। भगवान ना करे सासू माँ, अगर किसी दिन मुझे ये पता चला कि आपके गुनाहों की सीमा पार हो चुकी है तो मैं वादा करती हूँ आपसे, आपके खिलाफ सबूत भी ढूंढ लूंगी और सबको बता भी दूंगी। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी उठ गए? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें स्वेट स्पेशल बेड टी से उठाऊंगा। पता है आज चाय मैंने खुद बनाई है। एक मिनट, वो भी मेजर करके, 2 कप पानी डाला, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पत्ती, और हाँ थोड़ी सी अदरक भी डाली, फिर उसे ढक दिया, फिर धीरे धीरे दूध डाला। जैसे ही रंग आया महाराज भी दंग रह गए थे। पियो चाय? क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं है? नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। फिर उदासी का कोई और कारण? हाँ, आज माँ की पुण्यतिथि है, आज मैं राधा जी की बोल जाऊंगी बिट्टू के साथ, वहां माँ की यादें जुड़ी हैं, कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ उन यादों के साथ। फाल्गुनी, तुम माँ को ऐसे याद करके उदास मत हो। तुम्हारी माँ जहां भी होंगी ना तुमसे बहुत खुश होंगी, बहुत फक्र महसूस कर रही होंगी तुम्हारे ऊपर कि उनकी बेटी ने उनका कितना नाम रोशन किया है।